सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? जीत रहे हो ना? जीतना ही चाहिए। तो स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे, नो इफ़ नो कैन ओनली रोहित द हिटमैन। तो गाइस, अभी हम लोग कवर करेंगे जो बास्केटबॉल वर्सेस यूएलएम के बीच में जो जर्मन बास्केटबॉल लीग का मैच होने वाला है, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले चीज़, अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल को आज फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो गाइस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। और राइट साइड में नीचे जो आपको बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस जरूर करना है, क्योंकि जो कुछ मैं वीडियोज़ बनाऊंगा उसमें आपको स्मॉल लीग के, ग्रैंड लीग के लाइनअप रिलेटेड और इंजरी रिलेटेड सारे आपको अपडेट मिलेंगे। तो इसके लिए आपको मेरा यूट्यूब का जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और जैसे मैंने बताया कि जो बेल आइकॉन है उसको आपको प्रेस करना है, ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर आप गाइस टेलीग्राम यूज़ करते हो तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है रोहित द हिटमैन, ठीक है। तो टेलीग्राम के चैनल पे जो कुछ मेरे अपडेट्स होंगे, जैसे कि लाइनअप में जो कुछ चेंजेस आते हैं या कोई इंजरी रिपोर्ट आती है या फिर जो मेरी फाइनल टीम होती है लाइनअप के बाद, वो मेरे सारे अपडेट मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित द हिटमैन पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइस, बहुत रिसर्च करके स्टैट्स निकाला है ये मैच का, तो ठीक से देख लेना, पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो स्टार्टिंग लाइनअप बोन के आपको दिखाऊंगा। मैं स्टार्ट किया था पी जैक्सन, एल क्रेडजर, जे मॉर्गन, के टाडा, टी वार्ने, ठीक है। और बेंच से खेले थे जे गोरहम, टी हसनबर्ग, एस कुलबिटिस, एम उम्बो कोटिनो और लास्ट में है बीस काइलर, ठीक है। तो गाइज, अभी देखेंगे जो स्कोर कार्ड है, कुछ नाम आपको इधर समझेंगे नहीं, क्योंकि जो ऑफिशियल ऐप है इसमें किधर भी आपको ये डेटा नहीं मिलेगा। तो बहुत रिसर्च करके मैंने डिटेल निकाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और गाइज, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो देखते देखते नीचे जो लाइक का बटन है उसको लाइक ज़रूर कर देना, प्रेस ज़रूर कर देना, ठीक है गाइज। तो अभी बात करेंगे जो टेलीकॉन बास्केटबॉल का लास्ट मैच हुआ था उसके बारे में। 88-86 से लास्ट का मैच विन किया था। स्टार्टिंग लाइनअप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जे मॉर्गन, ठीक है। ये जो आपको नाम नहीं दिख रहा है इसका नाम है पी जैक्सन, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, पी जैक्सन इसका नाम है। बाद में के ताड़ा, टी वार्ड, एल क्रेडजर, उसके बाद में ये है एस कुलबिटिस, ठीक है। पूरा मैं डिटेल में इस पर क्लिक करके इसका इमेज ओपन करके पूरा डिटेल में निकाला हूँ, तो जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। इसका नाम है एस कुलबिटिस, और जो सेकंड यहाँ से फॉरेनर जो आपको प्लेयर दिख रहा है, ठीक है, ये एस कुलबिटिस है, और ये है जे गोरहम। स्पेलिंग भी देख लेना ठीक से। तो ये है एस कुलबिटिस के साथ और ये है जे गोरहम के स्टैट्स, ठीक है। तो सीधा हम लोग बात करेंगे परफॉर्मेंस की। तो देख सकते हो जे मॉर्गन 33 मिनट्स में 10 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 स्टील। उसके बाद में पी जैक्सन 31 मिनट खेला था, 25 पॉइंट्स, 5 रिबाउंड, 6 असिस्ट, 6 स्टील्स। के ताड़ा 28 मिनट में 6 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 स्टील। बाद में टी वार्ड 28 मिनट्स में 15 पॉइंट्स, 7 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 3 स्टील्स। उसके बाद में है एल क्रेडजर 17 मिनट्स में 2.9 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 2 ब्लॉक। बाद में जैसे मैंने बताया एस कुलबिटिस 23 मिनट खेला था, 11.6 रिबाउंड, 2 असिस्ट। एस बोवलिन 17 मिनट्स में 11.3 रिबाउंड, 1 स्टील। यह ऐसे नाम है जो बोहर का, 16 मिनट में 8.3 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 स्टील। बाद में है टी हसनबर्ग, जिसने 7 मिनट में 1 स्टील अपने टीम के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया था। तो सेकेंड टीम है गाइज यूएलएम का, उसके बारे में आपको बता दूँ। स्टार्टिंग लाइनअप में थे जे ब्लोसागामी, एस क्रिस्टन, सी फेलिसियो, सी फिलिप्स और एफ जुगिस्ट। और बेंच से खेले थे ब्रेडजल, गंथर, हरकेनोफ, जैलो, क्लेप्सिस, बाद में एम क्रीमर और लास्ट में है जस्टिन सिमंस, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो स्टैट्स दिख रहा है इसका नाम है एस क्रिश्चन, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूँ, एस क्रिश्चन, बाद में है जे ब्लोसागामे, बाद में है सी फेलेसियो और बाद में है एफ जुकिच। फिर से रिपीट करता हूँ गाइस, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं आपको इतना डीप में बता रहा हूँ, आपको कोई यूट्यूबर ये मैच का वीडियो डाल के नहीं देगा। मैंने पूरा डिटेल में रिसर्च करके ये बनाया, तो इसको फिर से ध्यान से सुनना। इसका नाम है एस क्रिश्चन, स्टार्टिंग लाइनअप में था, 39 मिनट्स में 27.3 रिबाउंड, 14 असिस्ट, 2 स्टील्स। सेकेंड है जे ब्लोसागामे, 38 मिनट्स में 8 पॉइंट्स, 15 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 1 ब्लॉक, 1 स्टील। सी फेलिसियो गाइस देख सकते हो 33 मिनट्स में 18.7 रिबाउंड, 1 स्टील। उसके बाद में एफ जुकिस 14 मिनट्स में 9.1 रिबाउंड, सी फिलिप्स 13 मिनट्स में 2 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड। उसके बाद में आप देख सकते हो टी क्लेप्सिस 32 मिनट खेला था, 5 पॉइंट्स, 5 रिबाउंड, 5 असिस्ट, 1 स्टील। इसका नाम जे सिमंस है गाइस, 32 मिनट्स 11 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 2 स्टील। बाद में पी हरकेनोफ 8 मिनट्स में 1 स्टील, एंड ब्रेडजल 6 मिनट खेला था, 6 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड। उसके बाद में है पी गंथर 6 मिनट्स में 1 रिबाउंड, 1 असिस्ट, और एम क्रीमर 5 मिनट में कुछ अपने टीम के लिए कंट्रीब्यूट नहीं किया था। तो दोनों टीमों का मैंने डिटेल में आपको स्टैट्स बता दिए गाइस, कोई भी ये बताएगा नहीं। तो गाइस, वीडियो देखते देखते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है गाइस। तो सीधा हम लोग बात करेंगे जो प्रोबेबल मेरा
टीम होने वाला है ये मैच के लिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हो पी जैक्सन को मैंने यहाँ से पिक किया है, पॉइंट गार्ड से एस क्रिश्चन को मैंने पिक किया है, दोनों भी अपने टीम के लिए स्टार्ट करेंगे और आपके लिए मस्ट पिक होने वाला है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के टीम में। बाद में शूटिंग गार्ड सेक्शन से यहाँ से मैंने पिक किया है के तड़ा को, ठीक है। यहाँ से आपके लिए दूसरा ऑप्शन होने वाला है टी क्लेप्सी जो बेंच से स्टार्ट करेगा और एफ जू की आपको स्टार्ट करते हुए दिखेगा, ठीक है। बाकी आप सारे ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हो। बाद में एसएफ सेक्शन से मैंने पिक किया है टी वार्ड को, ठीक है, टी वार्ड को यहाँ से मैंने पिक किया है। बाद में सेकेंड मैंने ऑप्शन जो है यहाँ से आप देख सकते हो जे सिमन को मैंने पिक किया है, जे मॉर्गन स्टार्ट करते हुए दिखेंगे तो दोनों में से आप किसी एक को पिक कर सकते हो, ठीक है। जे मॉर्गन आपको स्टार्ट करते हुए दिखेंगे और जे सिमन ने लास्ट मैच में बेंच से स्टार्ट किया था तो आप किसी एक को भी पिक कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने जे सिमन्स को पिक किया और सेंटर से मैंने पिक किया सी फेलेसियो। सी फेलेसियो के बारे में बता दूँ, एनबीए खेल के चुका है ये प्लेयर, ठीक है, शिकागो बुल्स के लिए खेला था लास्ट टू लास्ट ईयर में और लास्ट ईयर में खेला था लेकिन इसको ज़्यादा टाइम इसको मिला नहीं था खेलने के लिए, तो सी फेलेसियो को मैंने यहाँ से पिक किया है। तो ये मेरा होने वाला है टीम का प्रीव्यू। एसपी मेरा होने वाला है क्रिश्चियन, पीपी होने वाला है पी जैक्सन। अगर आप चाहें तो एसपी और पीपी को रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है एसपीपी के लिए जे ब्लॉसगर में। तो ये तीन ऑप्शन जो है उसको ही आपको पकड़ के चलना है और ये मेरा होने वाला है फाइनल टीम ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर लाइनअप के पास कुछ चेंजेस होते हैं टीम में तो मैं सारे अपडेट मेरा जो टेलीग्राम चैनल है रोहित डेटमैन वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जे गोरहम के प्लेस पे आप जे मॉर्गन भी ले सकते हो। जे मॉर्गन ऑलरेडी मैंने आपको स्टैट्स बताते समय बताया, आपको फिर से मैं स्टैट्स दिखा दूँ। जे मॉर्गन स्टार्ट करता है यहाँ से आप देख सकते हो 33 मिनट में 10 पॉइंट्स 2 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 स्टील लगभग 16 पॉइंट्स दिए थे और ये स्टैट्स है आप देख सकते हो जे बोरहम के 16 मिनट्स में 8.3 रिबाउंड 1 असिस्ट 1 स्टील। तो किसी एक के साथ आप जा सकते हो, सेफ जाना है तो जे मॉर्गन के साथ जाना प्रेफर करो जो स्टार्टिंग लाइनअप में आपको दिख जाएगा। तो ये मेरा होने वाला है प्रॉबेबल कॉम्बिनेशन फाइनल लाइनअप के बाद। कुछ जो कुछ चेंजेस होते हैं वो सारे चेंजेस मेरे टेलीग्राम चैनल रोहित डेटमैन पे आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। सो गाइस ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, डू योर बेस्ट एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।